हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम. वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 5.2 फॉर क्लास 6 एंड चैप्टर अगेन इट्स अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. तो 5.1 में हमने कर लिया है फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे, जिस सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के कर लिए हैं. आज हम करते हैं 5.2, जिसमें हम देखेंगे और भी कुछ नया. द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉक्स. ठीक है, क्लॉक के बारे में सबको पता है, वो कितना फ्रैक्शन कवर करते हैं, वो कितने एंगल से कवर करते हैं, उसमें कितना डिग्री बनता है, ये आज हम देखेंगे. ठीक है, तो ये सब कुछ पता है सबको कि एक क्लॉक में 3 to 9 जाते हैं, 4 to 7 जाते हैं, कितना कितना फ्रैक्शन बनता है, आज हम उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लॉक रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9. 3 से 9 तक जाने के लिए उसको कितना फ्रैक्शन कवर करना पड़ता है. तो सबसे पहली बात, अगर आप पॉइंट के अराउंड मूव करते हो तो पूरा आप 360 डिग्री कवर करते हो. ठीक है, अगर आप हाफ मूव करते हो तो आप 360 का हाफ 180 डिग्री कवर करते हो. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से 9 तक आने के लिए आपने पूरा हाफ सर्कल कवर किया है, जो कि होता है 180 डिग्री. 180 डिग्री कितने डिग्री में से कवर किया आपने? 360 डिग्री में से कवर किया. ठीक है, तो 180 1 180 182 360, मतलब 1/2 आपका फ्रैक्शन बन गया यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, 4 से 7 तक, मतलब आप देखिए 3 से 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9, कितने यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, सिक्स यूनिट्स मतलब 180 डिग्री. तो 3 यूनिट्स मतलब 90 डिग्री. अब आप देखिए 4 से 7 तक, 4 to 5 5 to 6 6 to 7, कितने यूनिट्स हुए? 3 यूनिट्स हुए, मतलब 90 डिग्री तक. 90 डिग्री से कवर किया, कितने डिग्री से लेकर? 360 डिग्री. आउट ऑफ 360 डिग्री यू हैव कवर 90 डिग्री वाला कवर, एंड द फ्रैक्शन विल बी 1/4. वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखिए आप, 7 to 10. अब यहाँ से एक और मैं अगर 10 ले लूँ तो 1 2 3, अगेन 3 यूनिट्स. 6 यूनिट्स मतलब 180 डिग्री, तो 3 यूनिट्स मतलब 90 डिग्री, जस्ट उसका आधा. अगेन यहाँ पे 90 डिग्री हो गया है. 90 कितने में से? टोटल में से. तो कितना बन गया आपका? 1/4. अगेन फ्रैक्शन इज 1/4. नेक्स्ट देखिए, 9 to 12 दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3, 3 यूनिट्स, अगेन 90 डिग्री. ठीक है, 3 यूनिट्स मीन्स 90 डिग्री. आउट ऑफ 360 डिग्री यू विल गेट फ्रैक्शन एज अगेन 1/4. देन वॉट इज दैट क्वेश्चन नंबर? 7 to 12 है. अच्छा, 7 to 12, देन 7 to 10 था. ठीक है, 12 to 9 है. 12 to 9 है, इट्स नॉट, इट इज 12 to 9, है ना? तो यहाँ पे हम ये हटा देते हैं. 12 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9 मतलब कि आपने 270 कवर किया है, क्योंकि हाफ से भी ज़्यादा कवर किया है. कितने में से? आउट ऑफ 360 डिग्री में से. तो क्या होगा ये आपका? ये कैंसिल, ये 3 जा, ये 4 जा, आपने 3/4 फ्रैक्शन इसका कवर कर लिया है. किसका? क्लॉक का. देन सी, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अगेन 9. ठीक है, तो 9 मीन्स वॉट? अगेन 270, 360 विल गिव यू 3/4. ठीक है, 3 यूनिट्स आपकी बच गई है ना, 1 2 और 3. ठीक, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व. अगेन 6 से लेकर 3 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 9, तो हो गया 270 अपॉन 360 विल गिव यू 3/4. तो ये वाला फ्रैक्शन भी आपका 3/4 आ गया. तो 3/4 को देखने का बहुत सारे डिफरेंट वेज, और 1/4 को देखने के डिफरेंट वेज, और हाफ तो बहुत ही सिंपल होता है ना, बहुत ही सिंपल. अगर हाफ कवर किया है तो ऑफकोर्स 180 हाफ होता है 360 डिग्री का. तो ये था फ्रैक्शंस निकालना, कि आप जब कवर करते हैं इतना इतना इतने टाइम से इतने टाइम तक, तो आप उस पूरे पूरे क्लॉक का कितना फ्रैक्शन कवर करते हैं. ठीक है, या उसका होल का कितना फ्रैक्शन उसका कवर्ड हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप
हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप कहाँ स्टॉप होगा अगर वो स्टार्ट होता है 12 से और मेक और एंड इट मेक्स हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से चालू हो रहा है और हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन कवर करेगा तो ऑफकोर्स कहाँ कवर होगा 6 पे। तो कितने बज रहे हैं अभी 12 से स्टार्ट करेगा तो हाफ ऑफ द एंगल कहाँ कवर करेगा वो 6 पे 6 o'clock पे। देन अगर स्टार्ट करते हैं हम 2 से और फिर हाफ ऑफ द एंगल कवर करते हैं तो 2 से हाफ क्या होगा एग्जैक्टली ऐसे बनेगा आपका। तो यहाँ से आप यहाँ पे आते हैं तो कहाँ पे आप कहाँ पे हो अभी 8 o'clock पे ठीक है। देन अगर आप 5 से स्टार्ट करते हो और आपको 1/4 एंगल कवर करना है तो 5 से 1/4 कितना होगा 5 से इसका हाफ एग्जैक्टली 11 पे होता ठीक है। लेकिन 1/4 मतलब 5 से 11 तक के कितनी बार आप कितने यूनिट्स आप कवर किए 6 7 8 9 10 11 सिक्स यूनिट्स। सिक्स का जस्ट हाफ कितना होता है 3 तो आप कहाँ पे हो 5 से लेकर हाफ ऑफ द कवर करने पर आप कहाँ पे हो 8 पे। देखिए आप 8 o'clock पे हो आप है ना क्योंकि 5 to 6 1 6 to 7 7 to 8 तो 3 यूनिट्स हो गई आपकी आप कहाँ पे हो अभी 8 o'clock पे। देन नेक्स्ट 5 से स्टार्ट करते हो और 3/4 कवर करते हो मतलब 3/4 मतलब 5 से स्टार्ट किया हाफ कवर किया तो 11 पे थे तो 3 यूनिट्स और लेंगे 11 टू 12 12 टू 1 1 टू 2 तो देखिए आप कहाँ पे हो 1 2 3 4 5 6 हाफ ऑफ द पोर्शन कवर करने का मतलब आपने 6 यूनिट्स कवर कर ली। मैं 6 यूनिट्स क्यों बोल रही हूँ पूरे क्लॉक में 12 o'clock तक ही होता है 1 से लेकर 12 तक तो 12 का हाफ कितना होता है 6 तो पूरा हाफ कवर करने का मतलब क्या हुआ आप 6 यूनिट्स कवर कर चुके हो। अब वो बोला 3/4 मतलब 3 यूनिट्स और क्योंकि 6 आधी और उधर बची हैं तो 6 का हाफ क्या होता है 3 ठीक है। 6 ऑलरेडी थे आपके पास 3 और हो गए तो कितना हो गया 9 9 में आप 5 से देखोगे आप 9 यूनिट्स कवर करने पर आप किस वाले टाइम पे पहुंचते हो तो 5 to 6 6 to 7 7 to 8 8 to 8 8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 तो आप यहाँ पे 2 o'clock पर आ चुके हो ठीक है। तो ये था आपका कि कैसे आप फ्रैक्शंस आपने पहले टाइम से फ्रैक्शन निकाला अब फ्रैक्शन से टाइम निकाल रहे हो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप इसका देखिए आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। थर्ड क्या है विच डायरेक्शन विल यू फेस आप डायरेक्शन कौन सा फेस करोगे जब आप स्टार्ट करोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना ठीक है। तो क्लॉकवाइज हमको पता है हम 12 के बाद क्लॉकवाइज में राइट हैंड साइड आते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं ठीक है। तो अगर हमने ईस्ट से चालू किया और हमको क्लॉकवाइज जाना है ईस्ट से चालू किया है और क्लॉकवाइज जाना है तो ईस्ट के बाद यहाँ पे साउथ आएगा साउथ के बाद यहाँ पे वेस्ट आएगा ठीक है। तो ये रहा आपका वेस्ट ओके। अगेन देन अगर आप 1.5 मतलब एक आप ईस्ट से चालू कर रहे हो ईस्ट से चालू कर रहे हो और एक पूरा रिवॉल्यूशन ऑलरेडी ले चुके हो गया ईस्ट। अब ईस्ट के बाद वापस से हाफ रिवॉल्यूशन लोगे तो क्या हो जाएगा वेस्ट। तो 1.5 कवर करने पर आपको क्या मिलता है ईस्ट टू ईस्ट तो 1 फिर ईस्ट से लेकर नॉर्थ सॉरी साउथ 1/4 फिर साउथ से लेकर वेस्ट पूरा 1/4 तो 1/4 और 1/4 हाफ होता है ठीक है। तो ये रहा आपका वेस्ट पे आप आ चुके हो। अब आप वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो और आपको 3/4 जाना है एंटी क्लॉकवाइज ध्यान से समझिएगा आप वेस्ट से जा रहे हो वेस्ट है ये ठीक है ये पूरा वेस्ट है ये ईस्ट है और ये नॉर्थ और ये साउथ है ठीक। तो आप वेस्ट से जा रहे हो आपको कितना कवर करना है 3/4 तो वेस्ट से लेकर पहले ईस्ट तक जाओगे तो हाफ कवर होगा तो हाफ से ऊपर और आओगे तो 1/4 और कवर करना है आपको तो आप ऊपर जा रहे हो दैट इज नॉर्थ ओके। तो ये हुआ आपका नॉर्थ ठीक। नेक्स्ट देखें साउथ एंड मेक 1 full रिवॉल्यूशन साउथ पे साउथ से साउथ पे जा रहे हो और फिर आप बताओ कि क्या हो रहा है। तो साउथ से साउथ पे तो आप वापस से आ रहे हो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द साउथ एंड मेक 1 revolution अगेन यू विल फेस साउथ है ना। साउथ से स्टार्ट कर रहे हो आप पूरा एक रिवॉल्यूशन ले रहे हो तो साउथ पे ही आओगे ऑफकोर्स ठीक है क्लॉकवाइज और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो भी आप साउथ पे आओगे। ये देखिए साउथ से स्टार्ट कर रहे हो फिर से आप साउथ पे आ रहे हो है ना। तो किसी भी डायरेक्शन से आप जा रहे हो अगर आप फुल रिवॉल्यूशन कवर करते हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो आप जिस भी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हो फुल रिवॉल्यूशन लेने पे आप वापस उसी डायरेक्शन पे आते हो चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो ठीक है। तो ये था आपका 4th question ओके। नाउ नेक्स्ट करते हैं इस पर 4th question करते हैं थर्ड का 4th था वो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4th question व्हाट इज दैट विच पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग अगर आपको कौन सा रिवॉल्यूशन लेना पड़ेगा अगर आप ईस्ट में हो और आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है और आपको नॉर्थ पहुंचना है ईस्ट में हो
और आपको नॉर्थ पहुंचना है और आपको क्लॉकवाइज जाना है, तो आप कितना कवर करते हो? 3/4। देखिए ये, देखिए आप ध्यान से समझिए, ये ईस्ट है। क्लॉकवाइज मतलब पहले आप आए साउथ पे, 1/4 हुआ, फिर आप गए वेस्ट पे, हाफ हुआ, फिर आप गए नॉर्थ पे, 3/4 हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, 3/4 आपने कवर कर लिया है। ओके, तो इफ़ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड यू आर गोइंग फ्रॉम क्लॉक, इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड यू हैव टू फेस 3/4 ऑफ द फ्रैक्शन देन यू ऑफ द रिवॉल्यूशन देन यू हैव टू बी ऑन एट द इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, साउथ में हो और टर्न क्लॉकवाइज, साउथ में हो, साउथ में हो मतलब नीचे इधर है ना, और आपको टर्न क्लॉकवाइज करना है और कितना, टू फेस ईस्ट, ईस्ट तक आना है आपको। तो ये रहा आपका फर्स्ट हाफ, देन फर्स्ट हाफ नहीं, फर्स्ट 1/4 है ये, देन फिर 1/4 है, और देन फिर 1/4 है, कितने 1/4 हो गए यहाँ पे, 3/1/4 हो गए। तो आप किस वाले पोर्शन में हो, आप 3/4 कवर कर चुके हो रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप वेस्ट में हो यहाँ पे और आपको ईस्ट कवर करना है, तो वेस्ट से नॉर्थ आपका 1/4 होता है और नॉर्थ से ईस्ट आपका फिर 1/4 होता है, 1/4 होता है 2/4 मतलब कि हाफ। तो आपने कितना कवर किया, हाफ रिवॉल्यूशन कवर करिए। ठीक है, तो ये था किसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट आते हो आप क्वेश्चन नंबर 5 में, आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ राइट एंगल्स निकालिए। ध्यान से समझिएगा, मैं एक राइट एंगल आपको करके बता देती हूँ। ये 12 है, ये अगर 3 है तो एक राइट एंगल यहाँ बन चुका है ना, 3 से 6 तक एक राइट एंगल और बन गया, ठीक, 6 से 9 तक एक राइट एंगल और बन गया, और 9 से 12 तक फिर से एक राइट एंगल बन गया, इसीलिए 360 डिग्री होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और 4 बार 90 डिग्री आ गया मतलब क्या, 19 × 4 360 डिग्री। ओके, तो 3 × 6 बोल रहा है, 90 डिग्री बन गया यहाँ पे, पहला आपको बन गया आपको, इफ़ द आर एंड्स गोज, आर एंड्स ऑफ क्लॉक गोज फ्रॉम 3 to 6, इट रिवॉल्व्स बाय 90 डिग्री और बाय 1 राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल हुए यहाँ पे, 1 राइट एंगल हो गया। ठीक, 2 से 8, चलिए 2 से 8 जाते हैं। 2 से 8 में मतलब यहाँ तक आ गया आपका एक राइट एंगल, ये देखिए, और फिर 5 से 8 तक आपके 2 राइट एंगल्स आ गए। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल्स हुए, 2 राइट एंगल्स हो गए। ठीक है, देन 5 to 11, 5 से 11 में अगेन हाफ ऑफ द पोर्शन कवर होता है। आप ध्यान से देखिए, आप कवर भी आपको ऐसे समझना है, तो आप एक क्लॉक रख लीजिए, क्लॉक से समझ में ना है तो हैंड से भी कर सकते हो आप। 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11। ठीक है, 5 to 6 एक, 6 to 7 दो, फिर 3, जब 3 यूनिट्स कवर कर लेते हो तो आप एक राइट एंगल कवर कर लेते हो, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, फिर यहाँ 3 यूनिट्स हैं और फिर एक राइट एंगल कवर हो गया। तो कितने राइट एंगल्स हो गए, अगेन 2 राइट एंगल्स। ठीक है, ये 2 राइट एंगल्स हो गए। अब 10 to 1, अगेन 10 to 1 है, यहाँ पे देख लीजिए आप, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 यूनिट्स हो गए, अगेन 1 राइट एंगल। ओके, देन 12 to 9, 1 2 3 एक राइट एंगल, ठीक, प्लस 1 2 3 दो राइट एंगल, प्लस 1 2 3 3 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल हो गए आपके, 3 राइट एंगल्स आपके कवर हो गए। ओके, इज़ इट क्लियर नाउ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे है आपका राइट एंगल्स को शो करना, 3 यूनिट्स में एक राइट एंगल कवर होता है। टोटल यूनिट्स कितनी होती हैं, 12, एक राइट एंगल कितने, टोटल राइट एंगल कितने होते हैं, 4, तो 3 यूनिट्स में एक राइट एंगल, 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 तब जाके 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो 3 3 3 3 3 4 12 भी होता है। ठीक, नेक्स्ट 12 to 6, 12 to 6 तो बहुत सिंपल है, 2 राइट एंगल कवर हो गए। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली 2 राइट एंगल्स आ गया आंसर आपका, डन। ठीक है, तो ये राइट एंगल्स भी देख लिया हमने, एंगल्स भी देख लिया, फ्रैक्शंस भी देख लिया। ये है लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, ध्यान से देखिए। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम, कितने राइट एंगल बनेंगे अगर साउथ से जा रहे हो वेस्ट की तरफ, एक राइट एंगल, ध्यान से देखिए, एक ही तो राइट एंगल है यहाँ पे, एक ही राइट एंगल बनेगा है ना, ओनली 1 राइट एंगल। देन नॉर्थ से टर्न होकर के एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट तक पहुँच रहे हो, तो नॉर्थ से पहले वेस्ट आना पड़ेगा, 1 राइट एंगल, वेस्ट से साउथ जाना पड़ेगा, 1 राइट एंगल, और साउथ से ईस्ट जाना पड़ेगा, 1 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल हो गए, 1 2 3, यहाँ कितने राइट एंगल्स हो गए, 3 राइट एंगल्स। ओके, देन अगेन वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट से वेस्ट तक पहुँचने के लिए तो 4 राइट एंगल्स हो गए है ना,
क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री पूरा कवर हो गया, तो ये 4 राइट एंगल्स हो गए. ओके, देन इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो आप, और वो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो भी 2 राइट एंगल्स होंगे, और साउथ से नॉर्थ की तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो भी 2 राइट एंगल्स होंगे. ठीक है, तो आपके 2 राइट एंगल्स फॉर्म हो चुके हैं. किसमें? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. साउथ से नॉर्थ जाने में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों ही कंडीशन में आपको 2 राइट एंगल्स कवर करने हैं. ठीक है, और आपने किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वेयर विल द आर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड एंड्स एंड थ्रू 1 राइट एंगल. अच्छा, 6 से स्टार्ट करना है उसको और क्लॉक में 6 से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो अगर हम 6 से स्टार्ट करते हैं तो 1 राइट एंगल कवर होगा सीधा सीधा 9 पे, क्योंकि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 यूनिट्स हमेशा 1 राइट एंगल कवर करता है. 1 राइट एंगल कवर करना है इसको और वो पहुंच जाएगा 9 ओ क्लॉक पे. ठीक है, अब 8 से स्टार्ट करेगा और 2 राइट एंगल्स कवर करना है. 8 से स्टार्ट करना है तो 8 टू 9, 9 टू 10, 10 टू 11 एक राइट एंगल, 11 टू 12, 12 टू 1, 1 टू 2 टू राइट एंगल्स. 2 राइट एंगल्स कवर किया तो कहाँ पहुँच गया वो? 2 पे. सो इट विल बी स्टॉप एट 2. ठीक है, देन अगर वो 10 से स्टार्ट करता है और उसको 3 राइट एंगल्स कवर करने हैं, 10 टू 11, 11 टू 12, 12 टू 1 एक राइट एंगल, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4 दो राइट एंगल, 4 टू 5, 5 टू 6, 6 टू 7 3 राइट एंगल्स. ठीक है, कहाँ पे स्टॉप हुआ? दैट विल स्टॉप एट 7. ठीक है, इट विल स्टॉप एट 7. नेक्स्ट, वेन फ्रॉम 7 एंड टर्न्स टू 2 स्ट्रेट एंगल्स. ठीक है, 2 स्ट्रेट एंगल्स मतलब 1 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है. 2 स्ट्रेट एंगल मतलब दो बार 180 डिग्री, दो बार 180 मतलब 360 डिग्री. तो अगर वो 7 से चालू हो रहा है और 7 पे ही ख़त्म होगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये टर्न किया ये हाफ और फिर टर्न किया ये हाफ, दो बार हाफ टर्न किया है, एंड विल स्टॉप एट 7 ओनली, क्योंकि उसने पूरा पूरा 360 डिग्री कवर किया है. तो ये थे सारे क्वेश्चंस 5.2 से जो हमने कर लिए हैं. एक एक क्वेश्चन हमने किया, हर के फ्रैक्शन बताए, एंगल्स बताए, टर्निंग बताई, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हर तरह से हमने क्लॉक को यूज़ किया और द डायरेक्शंस को यूज़ किया, ऑल 4 डायरेक्शंस. ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं. मेरा वेट आप ज़रूर करोगे कि मैं 5.3 भी आपके लिए बहुत जल्द आऊँगी. ऑफकोर्स लाऊंगी, आप ही के लिए लाऊंगी और बहुत जल्दी आऊँगी फिर से मैं अपने 5.3 के साथ. तब तक के लिए मैं इस वीडियो को करती हूँ पॉज, क्योंकि मैं पार्ट 3 के साथ आपके पास बहुत जल्दी आने वाली हूँ. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, स्टे ट्यून, बने रहिएगा, सारे पार्ट्स देखिएगा, तभी क्वेश्चंस पूरे समझ में आएंगे और चैप्टर क्लियर होगा और आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. तो इसी के साथ मैं यहाँ पे करती हूँ पॉज, फिर से आऊँगी पार्ट 3 के साथ. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.